मैं बोर हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए समझ गई। थोड़ा आर्ट हो जाए, पहले ऑरेंज पेंट से शुरू करेंगे। आर्ट मजेदार है, जब आप क्रिएटिव हो तो बोर होना मुश्किल है, कुछ पीते रहना चाहिए। ओह नहीं, मैं क्या सोच रही थी, मेरी उंगलियों पर पेंट लग गया। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? पेंट पूरे ग्लास पर लग गया। रुको, मैं तो जीनियस हूँ। जी हाँ, एक साफ ग्लास से शुरू करते हैं और उंगली से पेंट लगाते हैं, इतना काफी होगा। अब मैं ऊपर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाऊंगी। बढ़िया, और थोड़ी और। अब इन कलर डैब्स के नीचे थोड़ा सा मार्कर लगाएंगे। ये हो गया, कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है मेरे ग्लास के आसपास लाइट्स लग गई। ये पहले से बहुत सुंदर दिख रहा है, मैंने ये बना कैसे लिया। चलो थोड़ा और जूस पिए, मैं इसी की बात कर रही थी। Hey! तुम्हें मेरी नई जैकेट कैसी लगी? मैंने ये सेल से ली है, ये 50% ऑफ पर थी। ये अच्छी है ना? हाँ बढ़िया है, समझ गई। पर मेरी नई जैकेट तो देखो। तुम्हें मेरा नया फोन केस कैसा लगा? स्पार्कल्स पुरानी हो चुकी है, मेरे पास पॉपेट्स है। जो भी है, मेरे पास ये नोटबुक भी है और ये स्टिकर से सजी हुई है, हार्ट्स और स्टार्स और एक आइसक्रीम ट्रीट भी। क्या? मेरी नोटबुक इतनी बोरिंग और प्लेन है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। ये रही मार्कर्स। रुको, मेरे पास एक प्लान है। ये रहे मार्कर्स और एक नाइफ। पहले हम इसकी टिप काट देंगे, अब थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि ये हार्ट जैसा दिखे। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नोटबुक लेंगे और इस स्टैम्प की मदद से, मैं सिर्फ हार्ट्स तक ही नहीं रहना चाहती, ये देखो अब यहाँ पर हार्ट्स और स्टार्स भी है। देखा, मेरी नोटबुक पर भी ये है और मुझे स्टिकर्स की जरूरत नहीं पड़ी। वाओ, तुमने ये कैसे बना दिया? उस स्क्वैडल को बोलो मेरी आइसक्रीम वापस लेकर जाए, इस रोड से नहीं जाऊंगी। हाँ चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट में सबसे अच्छा हूँ, पेंटिंग मजेदार है। ओ नहीं, उसके कंप्यूटर पर पेंट लग गया। समझ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। देखो ये तो फैल रहा है। ओ नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो गई, ये पूरा पिंक हो गया, वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी। घूर गई। तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे शक हो रहा है। एक सेकंड रुको। मेरा लैपटॉप, इसे क्या हो गया? तुमने इस पर पिंक कलर कर दिया। वहाँ क्या है? एक स्ट्रॉ। रुको, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हाँ ये रहा मेरा खराब हुआ हुआ लैपटॉप, मुझे और पेंट चाहिए। जी हाँ, और ज्यादा पेंट लगाना ही इसका हल है, व्हाइट और येलो भी और थोड़ा पर्पल, कितना सुंदर है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउनिश येलो डालेंगे। हाँ अब स्ट्रॉ की बारी है, इस पेंट पर फूंक मारना शुरू करेंगे। लैपटॉप के ऊपर इसे फैलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे, बस करते जाए। अलग अलग कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और इन पैटर्न्स और टेक्सचर से कितना कूल लग रहा है। वाह, ये तो एक जबरदस्त आर्टवर्क बन चुका है, कितना खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें याद आ रही हैं। ये इतना प्यारा बन कैसे गया? वाह, इस कंप्यूटर को देखो, कितना कूल है। आज भी हमारी बेइज्जती ही हुई, हम कभी पॉपुलर नहीं हो सकते, सब जोक मुझ पर ही बनते हैं। मैंने कुछ दिलचस्प ढूंढा है, वांटेड फॉर गुड फ्रेंड्स पर और चीजें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। बस कुछ बुरा ना हो, शायद ये काम कर गया। वाह तुम्हारी बाल, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। चलो इसे टेस्ट करते हैं। देखो अब हम पॉपुलर हैं और हम बदल चुके हैं लगभग। वाह कितनी अच्छी जगह है, वीकेंड की शुरुआत के लिए बहुत अच्छी है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? ओह और मत कहो,
मैं समझ गया। ठीक है। कैसे हो ब्रो? दो मिनी चीज केक्स इस कार्ड पर दे दो। ये यहाँ नहीं चलेगा। ओह, तो ये कैसा रहेगा? बिंगो, थैंक्स। डिजर्ट्स आ गए और ये रहा तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर। ग्रेस, हाँ? ओह हे, तुम क्या कर रहे हो? मेरी गलती है, पर मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो। चीत ने मुझे धोखा दिया। मैं नहीं सहूंगी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे अलग दिखना होगा। हाँ, ऐसे ही काटेंगे पूरा नीचे तक। अब होगा असली जादू। इसे पक्का करने के लिए एक और नॉट। अब इस तरह टक करें और शोल्डर्स नीचे कर दें। टेल्स को इस तरह टक कर लें। अब ये टॉप कितना क्यूट लग रहा है ना? मुझे फैशनिस्टा वाइब्स आ रही हैं। जी, तुम अभी भी बिजी हो? तो मैं यहीं रहती हूँ जब तक तुम मुझे नहीं देखते। ग्रेस, क्या ये तुम्हारे मुंह में मक्खी ना चली जाए? रुको, मेरा क्या? मेरे कपड़े कितने बुरे हैं। मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, ये तो होना ही था। तुम्हें फील आते चाहिए। चलो अब सो जाते हैं टेडी, कल के दिन हमें बहुत काम है। ये क्या हो रहा है? सब्जी? रॉक ऑन। बहुत अच्छे, तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे थे? मेरे कमरे में रॉक शो चल रहा है। उसकी उंगली देखो कितनी तेज चलती है। चलो आज धमाल होगा। या, रॉक ऑन। वो कभी बेस गिर गए। तो फ्लोर पर गिर गए, पर हम ब्लू वाले वेस नहीं कर सकते। स्टेसी, नहीं। क्या? रुको, परेशान मत हो। पर मेरी सारी कैंडी। ये बहुत गलत बात है। मुझे बुरा लग रहा है। ये सिलिकॉन रिंग देखें, लिफ्ट में गमी बेयर्स लगा दें, बहुत सारे लगाएंगे। जब ये हो जाए, इसके ऊपर लिक्विड जेल डालें। ज्यादा तेज नहीं, सारे बेयर्स पर आना चाहिए। और जब ये हो जाए, तो हमारे पास एक कूल ब्रेसलेट है। रॉक एंड रोल बेबी। हाँ, मेरे लिए? मुझे अपने रिस्ट दो। अब टेडीज तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कूल। वाओ। थैंक्स ब्रो। मुझे प्यार दो। कूल। एक और चीज। क्यों? मेरे पास एक शर्ट है। मेरे लिए? हाँ। तुम अच्छे लग रहे हो। लड़कों को भी पिंक पहनना चाहिए। हे, मैं यहाँ अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए आई हूँ। इसमें? ये नहीं हो सकता। जाकर चेंज करो। चेंज करूं? पर मेरे पास यही है। वो पढ़ो। हाँ? मैं स्पोर्ट्स वेयर पहन सकती हूँ। BRB। मुझे पसंद है। सब सेट है। तुम्हें यहाँ आइस नजर आ रही है। तुमने कहा स्पोर्ट्स वेयर पहन सकते हैं? ये देखो। अब बेहतर है? नहीं, नहीं। इस लड़की को हुआ क्या है? अब क्या? मैं ये सब सहने के लिए यहाँ नहीं हूँ। अब कैसा रहेगा? नहीं, सच में? हाँ, मजे करो। खैर, नहीं।
ठीक है, तो ये तो चल सकती है। नहीं। अब कैसा रहेगा? बहुत हुआ। चलो शांत रहो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पर अब मैं क्या करूं? लॉस्ट एंड फाउंड? इसमें कुछ होगा, पर कोई काम की चीज होगी? नहीं, चलो भी। ये हुई ना बात। बस कुछ चेंजेस करने हैं। एक कैंची लें और इस तरह ऊपर की तरफ काटना शुरू करें। यही रुक जाओ, अब इसे उल्टा करें और इसे इस तरह खोलें। बस यही करना है। कमाल है, ये है स्पोर्ट्स वेयर। वो क्यूट है। ओ, मैंने खुद ही बनाई है। तुम्हारा स्टाइल अच्छा है। थैंक्स गर्ल। मुझे जाना होगा। मैं तैयार हूँ। तुम कुछ बोल नहीं पा रहे? हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है। चलो अब वर्कआउट करें। 1, 2। हाँ? ये क्या? हमने तो अभी शुरू किया था। हाय, जीना से मिलो। वाह, हाय, मैं बहुत नर्वस हूँ। और अब मिलो ग्रेस से। ओह हेलो। आप वोट करने के लिए तैयार हैं? किसके लुक बेहतर है? नीचे कमेंट करें। ग्लिटर एपॉक्सी से एक सिरिंज भर लें और इसे बटरफ्लाई मोल्ड में डालें। एपॉक्सी को सेट होने दें। अब इसे मोल्ड से निकाल लें। विंग्स से कीचेन और हुक अटैच करें। इससे बहुत सुंदर इयररिंग्स बनेंगे। वाह, अच्छे लग रहे हैं। किसने कहा ये महंगे ही होने चाहिए? हाय डेविड, तुम्हें कुछ पसंद आया? यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये पसंद है। वाह, ये कितनी सुंदर है। पर मुझे नहीं लगता मैं ये खरीद पाऊंगी। मैं चलती हूँ। बाय। मैं अपनी खुद की ज्वेलरी बना सकती हूँ। मेरे पास यहाँ सारा सामान है। चलो देखते हैं। ओह, ये काम आएगा। मैं स्प्रिंग पर बीड्स लगा देती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। बस हो ही गया। चलो भी। मैंने कर दिखाया, अब इसे बांध देंगे। दोबारा ट्राई करते हैं। ये अच्छे से बन गया। बस थोड़ा छोटा है। इसे खींच कर हाथ में पहन लेते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। मुझे इसे ऐसे ही खींचना होगा। नहीं, दोबारा नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हुआ। बकवास ब्रेसलेट, मुझे कुछ सुंदर सा पहनना है। हाँ, ये लेमन्स कहाँ से आए? वाह, जरा वो तो देखो, इतनी सारी है। इससे मुझे एक आइडिया आया। अगर आपको भी फ्रूट और ज्वेलरी दोनों पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। लेमन को स्लाइसेस में काटें, उंगलियां बचाकर। एक बेकिंग ट्रे पर लेमन के स्लाइसेस रखें और उसे गर्म ओवन में रख दें। जब तक ये सूख ना जाए इसे कुक करें, बिल्कुल इस तरह। पर ये खाने के लिए नहीं है। और अब लिक्विड ग्लास का एक कंटेनर भरें। अब स्क्यूअर पर लेमन लगाकर इसे ग्लास में डिप करें। ध्यान रहे कि अच्छे से कोट हो जाए और फालतू का लिक्विड नीचे गिर जाए। स्क्यूअर से होल बनाकर इसमें एक इयररिंग हुक लगाएं। दूसरे स्लाइस के साथ भी यही करें। वाह, मुझे ये पसंद आए। नेचर से बनाई हुई चीज। मुझे अब पैसे भी तो कमाने हैं। ये दुकान खुल गई है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए। मैं एक पेयर लूंगी। ये लो। हाय ईवा, मुझे तुम्हारे इयररिंग्स पसंद है। इसके बदले ये ले लो। बिल्कुल। ये लो। वाह, मुझे सच में चाहिए थे।
बहुत प्यारे हैं। बहुत बोर हो रही हूँ, ये कोई मजाक है? स्नैक टाइम। चलो इसे और दिलचस्प बनाएं। एलियोप, ये आ रही है, पकड़ लिया। हाँ मैं जानती हूँ, ये बहुत बढ़िया था, तुम ये कर सकते हो। अरे यार, ये तो मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। ये देखो, अब तुम हैरान हो जाओगी। ओ मेरी आंख। ओ तुम क्या कह रहे थे? प्रैक्टिस करते रहो, हो ही जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम रेनबो बनाओ, और अच्छा होना चाहिए। मुझे रेनबो बहुत पसंद है। मुझे कलर्स पसंद नहीं है। अब हंसो ना, मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। ये कुछ जादुई है, तुम क्या कर रहे हो? कैसा नर्ड है। एनी, किसका इंतजार कर रही हो? शुरू करो। हाँ ठीक है, पर मुझे सिर्फ ब्लैक पसंद है। चलो जल्दी निपटाएं। अगर आपको रेनबो चाहिए तो मैं बना देती हूँ, वो सबसे अच्छा रेनबो होगा। मैंने बना लिया। मैं इसकी खूबसूरती दर्शाना चाहता था, आपको पसंद आया? हमारा रेनबो मिल चुका है। कैसा चल रहा है एनी? टडाओ। कोई बात नहीं, आप तालियां बजा सकती हैं। तुम्हें पता है ना रेनबो कैसे दिखता है? ओह, कैसी बकवास क्लास है, मुझे रेनबो से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड रुको, ये पेंस मुझे दो, मैं इन्हें रेनबो के ऑर्डर में अरेंज करूंगी। अब ग्लू गन चाहिए, पेंस को साथ में जोड़ देंगे। अब ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। चलो अब ड्रॉ करें। पेंस को इस तरह पेपर पर चलाएंगे और इनसे एक आर्क बनाएंगे। वाह बढ़िया लग रहा है, कलर साथ में ब्लेंड हो रहे हैं। इसे ड्रॉ करना कितना आसान है। जी हाँ, अब ये पूरा नहीं हुआ। प्लास्टिक वॉलेट पर ब्लैक पेन से रेनबो बनाएंगे। रेनबो नहीं है, लो आ गया। कूल है ना, अब दिख रहा है और अब गायब। ओह वापस आ गया, ये कैसा जादू है। वाह कमाल है, मेरा काम पूरा हुआ। एक सेकंड रुको, तुमने मल्टी कलर टी शर्ट पहनी हुई है, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ ब्लैक पसंद है। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मत कहना, नहीं तो मेरा मुंह बंद है। रुको रुको रुको, मुझसे भागना बंद करो। तुम्हें पकड़ लिया, बहुत भाग ली तुम। चलो अब नहाओ, तुम्हें नहाना ही होगा। अभी स्क्रबिंग शुरू करते हैं। क्या वो कहाँ चली गई? दोबारा कैसे भाग सकती है? हार गई। हाँ, मुझे मॉन्स्टर्स पसंद है, बहुत अच्छे होते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? चलो आ जाओ। फिर नहीं, मुझे नहीं नहाना, मुझे ये पसंद नहीं है। अब सबसे बुरी हो। ठीक है मैं बुरी हूँ, पर तुम्हें नहाना ही होगा। नहीं आप मुझे नहीं पकड़ सकती, मैं नहीं नहाऊंगी। हे भगवान, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। ये डकी अब स्विमिंग करेगा, वो बहुत अच्छा है। उसे रबर डकी पसंद है। ठीक है तो मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। पहले बड़ा ग्लास चाहिए, अब इसमें हम क्लियर एपॉक्सी डालेंगे। देखो कैसे बबल्स बन रहे हैं, बस थोड़ा और। हाँ इतना काफी होगा। अब इसके अंदर हम कलर डालेंगे, बस थोड़ी सी ड्रॉप्स, और अब इसे साथ में मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से मिलाना होगा क्योंकि एपॉक्सी बहुत गाढ़ी है। ठीक है इतना काफी है, अब मैं रबर डकी के पास चलती हूँ। ठीक है डकी, तुम्हें अब एपॉक्सी शावर मिलने वाला है। अब हम इसे डक पर डाल देंगे ताकि अच्छे से ढक जाए, काफी गाढ़ा है। जब ये सारा डल जाए बस इसे सेट होने दे। हाँ हो गया, टडा। कैसा लगा हनी? वाओ हे भगवान, उसका ध्यान वही है, यही मौका है, मैं स्क्रब कर लूं। ये तो काम कर रहा है। आज का दिन बहुत कोजी है, मजा आ गया। क्या ये क्या है? आओ तो मुझे चलना चाहिए। उसने कप यहीं पर छोड़ दिया, वो देख नहीं सकती मैं सफाई कर रही हूँ। रखो टेबल पर एक निशान। नहीं अगर मैं जोर से स्क्रब करूँ तो शायद ये निकल जाए। रुको एक और मग लेकर घूम रही है, उसने ये भी यहीं पर छोड़ दिया और यहाँ भी निशान है। मजा आ गया, और मुझे रॉकेट मग बहुत पसंद है। सच में मैं पूरे घर में उसका पीछा कर रही हूँ। रुको दोबारा। सनी अलग अलग मग से क्यों पिए जा रही है, और जहाँ जाती है वहाँ एक मग छोड़ाती है हर सरफेस पर। मैं थक गई हूँ, मैं नॉन स्टॉप सफाई कर रही थी, लगता है वो यहाँ छोड़ गई है। हाँ एक ऑरेंज स्लाइस। ओह इसे प्लास्टिक पर रखकर हम अपनी ग्लू गन लाते हैं
हॉट ग्लू से इसके आसपास एक सर्कल बनाएंगे। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं है क्योंकि फ्रूट भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर ध्यान रहे कि ये ठीक रहे। बस थोड़ा सा और बनाएंगे, हो गया। इसे बंद कर दो। थोड़ा ग्लिटर डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे, ज्यादा दिखना नहीं चाहिए। अब इस पर एपॉक्सी डालेंगे, ऊपर डाल दें और इस स्लाइस को भी अच्छे से कवर करें और ग्लू से एपॉक्सी अपनी जगह पर रहेगी। जब ये सेट हो जाए तो इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। कितना सुंदर है, अभी पूरा नहीं हुआ, एजेस को पेंट कर देते हैं। ये स्पार्कली गोल्ड पेंट इस्तेमाल करेंगे। ये देखो कोस्टर, ये तो पूरा हुआ। हे भगवान, कितना सुंदर है, जितना सोचा था उससे भी अच्छा बना। रुको, ध्यान रखना कि अगली बार तुम ये मग इन पोस्टर्स पर रखो। हाँ, मैंने बनाया और इससे हमारा फर्नीचर बचा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया, मैं कुछ खा लेती हूँ। एक सेकंड रुको, ये क्या है, ये सारे कप्स कहाँ से आए हैं? ओह, बहुत ठंड है, मैं दोबारा काउच पर सो गई। वो बाल भी अड़ गए, मेरी कॉम कहाँ है? इसमें तो और बाकी फालतू सामान है। बकवास, इस पर तो मकड़ी के जाले लगे हैं, बिल्कुल ही बेकार है। ये पहले की तरह काम नहीं कर रहा, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। आउच, बहुत अड़ गए हैं। गह, ये क्या है, निकल जाओ। चलो भी, गह, वो ये मेरे बालों का हिस्सा था। इसने इतने ज्यादा बाल क्यों निकाल दिए? जो भी है, मैं हाथों से कर लूंगी। नहीं, यहाँ कुछ और पड़ा है। तो स्पैचुला कैसा रहेगा? ब्रिसल्स बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आप ब्रिसल्स लंबे या छोटे कैसे भी रख सकते हैं। पूरा स्पैचुला कवर करते हुए करते जाएं। अब इसे ट्रिम करते हैं, आधा काफी होगा। हो गया, आपको एक ब्रश मिल गया। अब बाल बिल्कुल भी नहीं अड़ेंगे और मेरे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे और इसमें कुछ ज्यादा लगा भी नहीं। देखो मेरे बाल अब कितने बढ़िया हैं। क्रिएटिव होना अच्छा है और थका देने वाला भी। पहला गेस्ट आ गया। हे गर्ल, तुम बहुत अच्छे लग रही हो, तुम भी। हैप्पी बर्थडे। ओह, एक फोन केस, शुक्रिया, पर मेरे पास ये वाला पहले से है, माफ करना, पर मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो, मेरे पास दांत है। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी होगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो। रुको, क्या ये 3D पेन है? तो मेरे पास एक आइडिया है। एक फ्लैट सरफेस पर फोन रखें और 3D पेन से इस पर ड्रॉ करना शुरू करें। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाएं, बस पूरा फोन कवर होना चाहिए, कोई जगह मत छोड़ना। कैमरा लेंस को छोड़कर इस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब फोन की साइड्स पर भी ड्रॉ करें। हमारा मतलब एक सेफ और पर्सनलाइज फोन केस बनाने से है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। वाह, मुझे पसंद आया, बढ़िया। क्या मैं जा सकती हूँ? ओह, एक और गेस्ट। हे, हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। ठीक है, चलो सारे लॉलीपॉप्स इस बेसिन में इस तरह रख देते हैं। अब हम इसमें एपॉक्सी रेजिन डालेंगे। ध्यान रहे कि ये हर जगह फैल जाए। इतना काफी है। अब लाएंगे कैंडीज। देखो ये कितनी सुंदर है, इसे भी अच्छे से डाल देंगे और अब इसे सेट होने देंगे। टाटा, ये कैंडी पिक्चर फ्रेम बन गया है। और तुम्हें ये कैसा लगा मिस्टर यूनिकॉर्न? खैर केक के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, चलो फिर इसे यूनिकॉर्न के सिर से सेलिब्रेट करें। आज यूनिकॉर्न और केक किटी की डांस पार्टी होगी। ये क्या है, वो हमें कुछ दिखाएगा। ये बहुत ही अनोखा लिमिटेड एडिशन यूनिकॉर्न थीम फोन केस है। अरे वाह, क्या बात है। हमारे पास ये सबसे कम प्राइस में लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ $200। अभी कॉल करो। मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभी क्या भी चाहिए। मॉम,
क्या हुआ क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? चोट लगी है? अब बस भी करो। क्या? देखो टीवी, मुझे वो चाहिए। हाँ, ये कैसा मजाक है? उस फोन केस के लिए $200 दूँ? देखा, वो बढ़िया है ना, मुझे चाहिए प्लीज। ठीक है हनी, देखते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं यूनिकॉर्न फोन केस लेना चाहती हूँ। मॉम बहुत अमीर है, वो मुझे दो दो लेके दे सकती है। नहीं, तीन। हाँ, हे भगवान, हनी तुमने मुझे डरा दिया। ये लो। ओ, मम्मी के पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। मैं उसे वो फोन केस नहीं दिला पा रही, वो बहुत महंगा है। हाँ, ये क्या चीज है? शायद ये काम आए। हाय, मुझे दो फोन केस चाहिए। हे, यही रुक जाओ हनी, मम्मी के पास एक प्लान है। हाँ, ये रहा यूनिकॉर्न मोल्ड और थोड़ा एपॉक्सी रेजिन। इस पूरे मोल्ड में बराबर रेजिन डालना होगा। हो गया, अब बस इसे सेट होने देंगे। इसे मोल्ड से निकाल कर देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, अब हम इसे फोन केस पर लगा देंगे। परफेक्ट, और उसे बहुत पसंद आएगा। टीना, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, एक सरप्राइज। वाओ, एक यूनिकॉर्न फोन केस, ये तो टीवी वाले से भी बेहतर है। बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। क्या, अब टीवी पर ये क्या है? फोन केसेस तो पुराने हो चुके हैं। जरा ये मजेदार हेडफोन्स देखो, इसके साथ रॉकिंग म्यूजिक का मजा लो। वो केक किटी की तरह। बहुत बुरा जा रहा है, मेरा पूरा मूड खराब हो गया। वो, अरे शांत हो जाओ, तुमने मेरे पॉपकॉर्न गिरा दिए। लो ये ले लो। वाह, तो ठीक है। मैं क्या करूं? समझ गई, मैं अपनी डॉक्टर स्किल से तुम्हें चेक करती हूँ। ये कैसा मजाक है, तुम कोई असली डॉक्टर नहीं हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हारा दिल तो बहुत उदास है। बुरा हुआ, मुझे तुम्हें खुश करना होगा। वो खुश हो जाओ। तो यहाँ पर क्या है? ओह, कैंडी। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। मुझे पॉपकॉर्न कर्नल से शुरू करना होगा, इतने काफी है। और अब कैंडीज भी डालेंगे। हाँ ठीक है, अब इस पर एक ढक्कन और थोड़ी हीट। ओह, कैंडी पिघल रही है और कर्नल्स पॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये हुई ना फैंसी पॉपकॉर्न, इससे तो कोई भी खुश हो जाएगा। हे, देखो मैंने तुम्हारे लिए खास पॉपकॉर्न बनाए। ये क्या है, तुमने ये कैसे किया? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ठीक है, पहले एक पीस को ट्राई करती हूँ। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है मैंने रेनबो ही खा लिया। अब मेरा दिल बहुत खुश है। मैं जानती थी ये काम करेगा, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। आम सामान का बढ़िया क्या बनाता है? जाहिर है थोड़े बहुत कलर्स, और सही कलर चुनने पर आप एक अच्छा मास्टरपीस बना सकते हैं। क्या पता आप एक और मोनालिसा बना दें, और नहीं तो क्या पता एक बहुत अच्छा लैपटॉप केस बना दें। एक आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार है। ये क्या है, ये यहाँ आया भी कैसे? देखो ये एक बहुत खूबसूरत डियर है, जरा उसको देखो जेनिफर, वो जरूर कुछ है। हाँ, वो खड़ा है, चलो काम पर लगे। हाँ, बस सही लाइन से शुरुआत करनी है, एंगल थोड़े अजीब हैं। किसी काम का नहीं, मुझे कुछ और सही चाहिए। बिंगो, अब मैं अच्छे से नाप ले सकती हूँ। मैं अभी वापस आई, तुम कहाँ जा रही हो? जो भी है, थोड़ा नजदीक जाने का समय है। आहा, अच्छा लग रहा है, दिलचस्प है। अब मुझे पता है क्या करना है, चलो ड्राइंग करना शुरू करें। हमेशा ब्लैक पेन से शुरुआत करें। ये खत्म हो रखा है। ये बहुत बेकार है। जेनिफर, तुमने मेरा पूरा पीस खराब कर दिया। अबे मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं है यार, तेरा देखो ये गड़बड़। हाँ, मुझे लगता है मुझे दोबारा स्टार्ट करना होगा, नहीं तो मैं इस टेक्निक को अपने एडवांटेज की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको लगता है ये बहुत डार्क है? ज्यादा देर के लिए नहीं, पिक्चर के ऊपर पेंट डाले। अब इस लेयर को हटाए, अब फेस का ऊपरी हिस्सा बनाए। एक से भले दो कलर्स होते हैं, बढ़िया है ना? चलो अब जरूर हिस्से की बारी। ब्रश का इस्तेमाल करके पेंट को बाहर की ओर निकालें। ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, देखो लगभग हो गया।
क्रीज के ऊपर भी ब्रश को फहराएं। यहाँ तक कि टूथब्रश भी कमाल कर सकता है, बस थोड़ी सी स्किलफुल फ्लिक्स लगेंगी। बढ़िया, अब यहाँ से पहली लेयर निकालें और आपको एक रात के समय का जंगल का सीन नजर आएगा। क्या ये मैजिकल नहीं है? मेरा देखो, तुमने ये सब कैसे किया? खैर, इस राउंड का विनर साफ नजर आ रहा है। बहुत खूब वेंडी, मुझे अपने ब्रश को इस्तेमाल करने पर काफी काम करना है। हार्डर स्ट्रोक्स, चलो भी वैसे ठीक है। शाम कितनी खूबसूरत है ना? ये देखो असली आर्टिस्ट। हाय, क्या ये अब तक का सबसे अच्छा कपल नहीं है? क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी, मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। मैं इस प्यार को पेज पर ड्रॉ करना चाहती हूँ। यहाँ, क्या ये बहुत बोरिंग नहीं है? मैं अपने दिल की सुनूंगी। एक बारी में पेंट का भरमार, इस तरह कलर मिक्स हो जाएगा और तुम मजेदार लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया कलर, ये लगभग डॉट सारे खत्म हो गए हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल को क्रम्बल करें और इसे गीले पेंट को ब्लॉट करने में इस्तेमाल करें। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। देखो मेरा क्या मतलब था। अब ब्रश लें और इसे थोड़ा पॉलिश करें। बगैर ट्री के बाहर का सीन कैसा सीन हुआ? बस ट्राई करना, ज्यादा दबाव मत देना और ब्लॉटिंग करें। देखो क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? पर अभी हमें और करना है। ये कलर मिक्सिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसे अभी और रिफाइनमेंट की जरूरत है। देखो यहाँ लवर्स है, ये मेन फोकस नहीं है। बढ़िया, अब थोड़ी बारिश की जरूरत है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक होता है। टारा, कितना रोमांटिक काफी है? मेरा जरूर है, तुम्हारा कैसा है? बेहतर हो सकता था, तुम्हें पसंद आया? वाव, ये तो म्यूजियम में रखने लायक है। सच में? देखो इस बार मैं जीती। बहुत बढ़िया जेन, इधर आओ प्लीज। मेरे ख्याल से तुम ये रख सकती हो। ये हम है स्वीटी पाई, जाओ। बहुत भूख लग रही है, मुझे स्नैक चाहिए। टीचर बिजी है, यही मौका है। इमरजेंसी के लिए हमेशा मेरे पास यहाँ स्नैक रहता है। आ, ये रहा। जल्दी करना होगा, अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। क्या वो कैंडी थी? हे, इसे इग्नोर करो, आपने कुछ नहीं देखा? क्या? हिम्मत भी मत करना, आप मुझे नहीं रोक सकती। बहुत बुरा है एवा, मुझे भी बहुत शर्म आ रही है, पर कोई पछतावा नहीं, मैं सोचूंगी कि ऐसा हुआ ही नहीं। पर मेरा मन अभी तक नहीं भरा। शुक्र है मैंने ये चिप्स रखे हुए थे, ये काम आएगा, मैंने छिपा देती हूँ। ये पेंसिल होल्डर काम आएगा, बस आराम से बैठो, बिल्कुल मामूली तरीके से। क्या स्वाद है, मुझे इसी की जरूरत थी। अपना मुंह खोलो। ओ, तुम कितने अच्छे हो। एक सेकंड, अजीब है, मेरे पास एक और हाथ नहीं है। हेलो एवा, यहाँ चिप्स अलाउड नहीं है, तुमने सुना? ओ हाँ, पर आपने डोनट्स को तो ना नहीं कहा, वहाँ क्या हो रहा है? ओ, कुछ और करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। जो भी हो, मैं बहुत तेज हूँ। आहा, पकड़ लिया। क्या? ओ, खुजली हो रही है। कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत तेज है, तो मुझे भी कुछ करना होगा। मैं जानती थी ये मैनिकिन काम आएगी, अब मुझे इसका मेकओवर करना होगा। जी हाँ, वही देखती रहो, मैं यही तो ढूंढ रही थी। मैं इसके हकदार हूँ, इससे स्वादिष्ट डोनट मैंने कभी नहीं देखा। पिंक फ्रॉस्टिंग और स्प्रिंकल्स, ये तो आर्ट है। ये डोनट मत खाओ, मैंने कहा मत खाओ। कहा था ना? नहीं। रुको, आप गंजी हो गई, ये मुझे दो। ओह, ये बहुत गलत है, ये खा मत लेना। अभी के अभी छोड़ो एवा, इतनी मेहनत पढ़ाई में कर लिया करो।
अब और नहीं, समझी? अब मुझे मार्किंग करने दो। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पहले दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे, ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही करेंगे और अब एक वेव पैटर्न बनाएंगे इस पूरे पर। अब ऊपर के हिस्से पर पेंसिल से बनाने के बाद इसे पेन से बनाएंगे, इससे ही उभर कर आएगा। बस रफ ड्राइंग को फॉलो करते रहेंगे। मैं अब इसे खराब नहीं करना चाहती, ये बिल्कुल डोनट जैसा लग रहा है। पेंसिल से बने हुए को हम इरेजर से हटा देंगे, अब इसे कलर करेंगे। बस वेवी लाइन के अंदर वाले हिस्से को ही फिल करेंगे, ये होगी इसकी फ्रॉस्टिंग। मेरे मुंह में पानी आ गया है। और अब डोनट को कलर कर सकते हैं। मैं इसके लिए डार्क ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। स्प्रिंकल्स के लिए करेक्शन पेन इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉस्टिंग के ऊपर डैप करेंगे और थोड़ी शैडो बनाएंगे, बिल्कुल कोनों पर ही बनानी है। ऐसा ही स्प्रिंकल्स के साथ भी करेंगे, जिससे ये और असली दिखेगा। लगता है हो गया, अब अगले स्टेज की बारी, चलो इसे बदल देते हैं। अब तुम मेरे हो डोनट, मैं इस ड्रॉइंग को बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ कौन है? मैंने पक्का कुछ सुना है। क्या कुछ हुआ है? मैं तो बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, पर मेरी नजरें तुम ही पर है। कैसे पता था बुक्स इतनी काम की हो सकती हैं? ये मेरा डोनट छिपाने के लिए बढ़िया है। जल्दी करो, अगली क्लास में चलो। आखिरकार वो चले गए, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। हाँ ये क्या हो रहा है? ये डोनट नहीं है, मेरे साथ खेल खेला गया। सेल्फी, बहुत क्यूट है। मैं क्लास के लिए लेट तो नहीं हो गया? क्यूट तो वो है, देखो केविन आया है। हे भगवान, मैं कैसी लग रही हूँ? हे केविन, यहाँ देखो। तो तुम यहाँ हो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वाह, वो कितना प्यारा है, हम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे? क्या फर्क पड़ता है, वो भी बहुत प्यारे होंगे। रुको, ये क्या हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो यही कहोगी। मुझे चलना होगा, तो मैं अकेला हो गया। हे वाह, जरा ये देखो कितना फनी है, मुझे नहीं लगता। बहुत रूड है। एवा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए पॉपसिकल लाई। नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये चॉकलेट है तुम्हारी फेवरेट। नहीं जाओ यहाँ से, ये पिघल जाएगी। हाँ दोबारा ट्राई करते हैं हम। केविन, ओह वो चली गई। रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले पेपर में से एक सर्कल काटेंगे, अब इस पर एक चेहरा बनाएंगे, ये हंसने वाला इमोजी होगा, ये क्लासिक है। अब येलो और पिंक सर्कल लेते हैं, इसे इमोजी के ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले पर लव हार्ट इमोजी बनाएंगे, ये बहुत क्यूट है, जरा इसे देखो। अब दो और सर्कल्स बनाएंगे और एक और इमोजी बनाएंगे, ये वाला सैड फेस होगा। और खुश हो भी जाओ, इसके ऊपर एक पिंक सर्कल रखेंगे, उल्टा करेंगे और इस पर पॉपसिकल स्टिक चिपका देंगे। मैं बस खुश होना चाहती हूँ। एवा, तुम्हें ये देखना चाहिए। अब ये क्या है? तुम ऐसी लग रही हो, हमें इसे बदलना होगा। वेरी फनी, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। आई लव यू, तुम मेरी बेस्टी हो। अब मुझे शर्म आ रही है। हाँ मैं जानती हूँ, पर ये फनी है ना? हाँ है तो। माफ कर दो एवा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जरा रुको, तुमने वो देखा? अरे यार तुम बहुत फनी हो केविन। नहीं वो मेरे टाइप का नहीं है, ये तुमने बनाया। ये मेरे क्रश के लिए मेरा प्यार है, उम्मीद है उसे पसंद आए। तो ये लो। कैसे हो डेविड? बढ़िया, किसने मुझे क्या लिखा? हाँ मैं भी कुछ करना चाहूंगा। तुम ही मेरा प्यार हो, देखते हैं। गो, मेरे बुक्स। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ओह कितना सॉफ्ट है। आहा वाह, मेरी बुक्स। ओह हाँ तो हाँ, थैंक यू। लगता है मुझे प्यार हो गया। रुको मैं जरा उसे देख लूं। हाँ ये लड़का मेरा कुछ तो लगता है। ओ मैं यही लिखता हूँ,
मैं उसे याद दिलाऊंगा जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बस बन ही गया। बढ़िया। वाह, मुझे याद है, तुम कितने प्यारे हो। लव यू बेबी। आर्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। सब आ गया। चुभियो, अब इसे एक आर्ट में बदलें। पहला स्ट्रोक हमेशा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लू यहाँ करेंगे, काफी बढ़िया लग रहा है। या फिर नहीं, ये क्या बकवास है। नहीं, शुक्र है मेरे पास और पेपर है। ओह स्मूथ, ये तो पहले वाले से भी बुरा है। चलो अब फोकस करो। ये क्या मजाक है, मैं फ्लावर नहीं बना पा रहा। ठीक है, शांत रहो, गहरी सांस लो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊंगा। तो चलो आराम से, आराम से। अच्छू, हाँ ये तो बुरा हुआ। एक मिनट रुको, कितनी बढ़िया शेप है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। पेंट ब्रश को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से कुछ अलग ही डिजाइन बन सकता है। और हम बनाएंगे पेटल्स। जब ये पूरा बन जाए तो ग्रीन कलर से लीव्स बनाएं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें थोड़ा लंबा बनाना है। इन्हें साथ में भी जोड़ सकते हैं, इससे अच्छे से फिल हो जाएगा। मैं जानता था मैं ये कर सकता हूँ। वाओ, तुमने खुद बनाया है। तुम देखो ना एनी, मेरे पास करने के लिए और भी कुछ है, और इस बार मैं एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, पर हमारा थीम वही रहेगा। देखा, इन स्ट्रोक्स के साथ लीव्स बिल्कुल असली लग रही हैं। इन्हें आराम से बनाएं। ग्रास भी बना सकते हैं, देखें। अगला हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह के पॉपी पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि मजेदार टेक्सचर्स बन सके एक बलून के साथ। कितना सैटिस्फाइंग था ना। अब इसे स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें और आपको मिलेंगे मजेदार और एकदम अनोखे फूल। ये मत भूल जाना, कूल है ना। शानदार, तुम्हें कैसा लगा डेविड? तुमने कैसे बनाया? मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है। ओह, ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मेरा पेपर। मेरी गलती है। Oops. देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया। hey, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? मैं? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है, तो ठीक है, यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया, कितना कूल लग रहा है ना। क्या बात है, मेरा प्यारा आर्टिस्ट। चाहे आप अमीर हैं या गरीब, 3D पेन के पास सबके लिए हैक्स हैं।
पता नहीं लोग बासा लेमोनेड कैसे पी लेते हैं, मेरी समझ के बाहर है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँ तो फिर मुझे शूज चाहिए होंगे। हाँ फिर क्या करूँ। यूहू, हाँ एवा मुझे शूज चाहिए, ये इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं सबसे चमकदार वाले लाया। नहीं हाँ ठीक है। फायरी रेड, नहीं सैंडल्स, और ये स्नीकर्स कैसे हैं? नहीं शूज थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, मेरे पास बाकी सब तो है। ठीक है एवा, ये वाला आखिरी है, चलो भी। बारिश नहीं आ रही, मुझे निकालना मत, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ करना होगा, खुद से शूज बना लूं क्या? अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या वो ये पहनेगी? अब बस यही बचा है, लेकिन ये काफी बढ़िया प्लांटर है। मैं समझ गया, 3D पेन से गैप्स फिल करें, जब तक मर्जा ही शेप ना आ जाए करते रहें। एक शू सोल बन गई। अब इस तरह का पेपर बोल लें और इसे काटें। पेन से इसे चिपकाएं, ये बार्स इसे टिकाए रखेंगे, करते रहें। और जब ये हो जाए पेपर पीस निकाल लें, बार्स को साथ लाने के लिए रिबन इस्तेमाल करें, एक प्यारी सी बो बना लें। ये प्यारे हैं, उसे पसंद आएंगे। ओ एवा देखो कितना अच्छा पेयर है, तुम्हें पसंद आया? सच में? बिल्कुल पक्का? हे भगवान बस उसे पसंद आ जाए। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता, पक्का ना? अब ये मेरी जिंदगी का फैसला होगा। चल करो मैं पहन लूंगी। ये प्यारे हैं, बस मेरे ही साइज के हो। बढ़िया, और ये काफी अलग है, मैं इनके साथ ग्राम पर शो ऑफ करूंगी। और ये गंदगी, ये सब मैं क्यों करूं? कितनी प्यारी सुबह है, मुझे तैयार होना चाहिए। उठ जाओ, मॉर्निंग। मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ, मुझे अभी भी नींद आ रही है। ओह गुदगुदी हुई, मेरे दांत चमक रहे हैं। ओ नहीं शायद वो ध्यान ना दे। ठीक है अब क्या करना है? मेकअप सही लग रहा है। ओ मेरे इयररिंग्स, जल्दी से पहन लेती हूँ। दूसरा वाला कहाँ है? मुझे मत देखो, मुझे नहीं पता। उसे पता नहीं चला, बहुत अजीब बात है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है, एक 3D पेन इस्तेमाल कर एक ट्रायंगल बनाना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह लाइंस को साथ साथ जोड़ें। जब ट्रायंगल का बेस बन जाए एक अलग रंग इस्तेमाल करें। हमें वाटरमेलन बनाना है तो अलग अलग ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। और अब बीज के लिए ब्लैक डॉट्स बनाएं। ब्लैक डॉट्स रेड प्लास्टिक पर अलग अलग होने चाहिए। जब ये हो जाए तो इसे पलटाएं और पीछे इयररिंग स्टड लगा दें। कितना फैशनेबल और स्वादिष्ट लग रहा है, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। छोटे छोटे लाइंस बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। हमें एक लीफ की शेप बनानी है, ये अच्छा लग रहा है। अब इसे पलटाएं और एक छोटा सा क्लियर स्क्रॉल लगाएं। इसे काटने के लिए कैंचे का इस्तेमाल करें, ये आपके कान से लीफ को टिकाए रखेगा। वाह अच्छा लग रहा है। हाँ मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ, मैं जानती थी। इस क्राफ्ट के लिए बहुत सारे बीज चाहिए और मैं जानती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। बीड्स पर ग्लू लगाएंगे, पूरी शेप को कवर कर देंगे। टूटा हुआ दिल किसी को नहीं चाहिए होता। और ये रिंग कितनी खूबसूरत है, अच्छी लग रही है। पर मेरे पास 3D पेन है। पहले एक फ्लावर की आउटलाइन बनाएंगे, अब इसे फिल करेंगे। मैं पेटल से शुरू करूंगी।
अभी के लिए बीच का हिस्सा छोड़ देंगे। अब कलर्स बदलेंगे और फ्लावर के बीच में येलो कलर करेंगे। इस रिंग को फ्लावर पर प्रेस करेंगे। जी हाँ, वाह, इसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। सबको फूल पसंद होते हैं। जरा इन्हें तो देखो, वो ये नेकलेस देखो, कमाल का है। रुको, कितने का है? $900। ये कोई मजाक है? ओ मेरा सर, ये कैसी बारिश है, मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कितनी गलत बात है, $10 में क्या ही आएगा। अब मेरी बारी है। उम्मीद है भेस बदल कर कुछ हो। तुम कौन हो? ये जरूरी नहीं है। क्या ये तुम्हारी है? हाँ, जरा ये नेकलेस देखो, ये मुझ पर कितना अच्छा दिखेगा, पर ये इतना महंगा है। जरा रुको, मेरे पास कुछ है। वो मैं क्या कहूँ, इतना सारा प्लास्टिक है। क्या तुम इसे साथ में लेकर चलते हो? ये बहुत अजीब है, मुझे जज मत करो, मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम इससे नेकलेस बना सकते हैं। हाँ, मुझे पसंद आएगा। मुझे ये वाला चाहिए, ब्लू मेरा फेवरेट है। तुम कितनी अच्छी हो, पर पैसे लगेंगे। इतने काफी है? हाँ, कैश में चलेगा। देखते हैं ये असली है या नहीं। मैं काम पर लगती हूँ। प्लास्टिसिन को डिस्क की शेप देंगे। सिरिंज की ट्यूब को आधा काटेंगे। अब इसमें से दो सर्कल्स निकाल लेंगे। ये अच्छा लग रहा है। व्हाइट क्ले के दो पीसेस को रोल करेंगे और इन होल्स में लगा देंगे। अब एक प्रोटेक्टर से डिस्क को आधा काटेंगे। अब हमें एक ग्लास चाहिए। प्लास्टिसिन से एक सेक्शन निकाल देंगे, इसे एक तरफ लगाएंगे। अब ब्लैक प्लास्टिसिन इस पर लगाएंगे और दूसरा पीस भी जोड़ देंगे। इस तरह शेप देंगे ताकि एक चेहरे जैसा लगे। इसे अच्छे से रोल करेंगे। इतना काफी है। काटने के लिए मेटल रूलर इस्तेमाल करेंगे। पतली पतली डिस्क काटेंगे, पर ध्यान रहे कि ये दबे ना। लगता है इतना काफी है। मुझे इसे देखकर किसी की याद आ गई। अब इसका एक नेकलेस बनाएंगे। एक छोटा सा हुक लगाएंगे और अब इसे प्लास्टिसिन में डाल देंगे। अब बाकी के डिस्क भी लगा दें, जब तक ग्लूज की ऐसी चेन ना बन जाए। हमने दोनों तरफ नेकलेस चेन लगा दी है। सर देखो कैसा लग रहा है, वाह कमाल है। मेरा काम पूरा हुआ। बाय बाय अजीब से अजनबी, कितना अच्छा इंसान था। तुम्हें ज्वेलरी की जरूरत है डॉली? कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे पास प्लास्टिसिन बचा है। वाह अच्छा लग रहा है, हम मैच कर रहे हैं। चलो हम अपनी ज्वेलरी सबको दिखाएं। ध्यान दो क्लास, इस सवाल का हल बताओ। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ सच में, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। मुझे इनमें से कोई नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हे मुझे अकेला छोड़ दो। ओ नहीं मेरा पेन। हे मिकी, तुम्हारे पास और पेन है? मैंने अपना वाला तोड़ दिया। ओ जरा रुको, ये लो। हाँ तो शुरू करते हैं, मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। ओ ये कैसा मजाक है, ये क्या था? मेरा पेन तुमने तोड़ दिया। कैसा चल रहा है, मुझे पेन मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी आशली। दोबारा टूट गया, ऐसा क्यों हो रहा है? विश्वास नहीं होता, शायद मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूँ। टाइम जाता जा रहा है, मुझे जल्दी करना होगा। इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। तो कोई मेरी मदद कर सकता है? सोचना भी मत। रुको, तुम मुझे क्यों देख रही हो? किसी और बेवकूफ को ढूंढो। हाँ उनकी भी क्या गलती। एक्सक्यूज मी, आपके पास पेन है? हाँ बिल्कुल आशले, ये वाला ले लो। नहीं रुको, अपने पेन छिपा लो। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? अरे मेरे तो सारे पेन खो गए। पर आपने एक पकड़ा हुआ है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ठीक है, मुझे इसे से काम चलाना होगा। कुछ नहीं हो रहा, मैं अभी और नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ क्या करना है। मुझे अपने पेन के लिए इंक चैम्बर चाहिए। मैं ऐसा पेन बनाऊंगी जो कभी नहीं टूटेगा। ये रहा पेन के लिए मोल्ड, इसके अंदर इंक चैम्बर लगाएंगे। अब इसे सजाएंगे, मोल्ड के अंदर फ्लावर पेटल्स डालेंगे। ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। मेरे पास ग्लिटर का एक जार है, इसमें एपॉक्सी रेजिन डालेंगे और अब इसे हिलाएंगे। ध्यान रहे कि अच्छे से मिल जाए, ये ठीक लग रहा है। अब मोल्ड में एपॉक्सी रेजिन डालेंगे, सारे फ्लावर्स को कवर कर लेंगे। इसे हम ऊपर तक भरेंगे और इसके सेट होने का इंतजार करेंगे। अब इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं, ये एकदम से निकल आएगा। वाह जरा इसे देखो, मुझे इसे आशली को देना चाहिए। वो क्या ये मेरे लिए है? मैं इसे ट्राई करती हूँ। जरा इसे तो देखो। ओ चलो भी आशली, क्या
कर रही हो? हे, ये तो टूटा ही नहीं, कमाल का पेन है। मैं दोबारा चेक करती हूँ। हाँ, ये एशली प्रूफ है। कितनी कमाल की चीज है, ब्रावो। शुक्रिया, मैं माहिर हूँ। तो आज ही वो दिन है, मैं अपने बाल खोलकर पार्टी कर सकती हूँ। मैं क्या पहनूं? देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। क्या चॉइस है, मैं तैयार हो जाती हूँ। वाह, मैं अच्छी लग रही हूँ। कुछ मिसिंग है, मैं बिल्कुल अलग दिखना चाहती हूँ। और मेरे दिमाग में एक चीज है, मुझे यही तो चाहिए। बहुत मजा आएगा। वो जरा इसे देखो, ये मेरी आउटफिट में चार चांद लगाएगा। मैं देखना चाहूंगी कैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। लगता है मैं तैयार हूँ, जरा रुको। एशली का टियारा बहुत सुंदर था, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, पर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं ये नहीं पहनना चाहती। क्या यार, मैं पार्टी में जाने के लिए नहीं बनी हूँ। मैं खुद पर तरस खाकर इस काउच पर ही सो जाती हूँ, और मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्या, ये क्या हो रहा है? वाह, क्या लैंडिंग थी। ओ, क्या हो गया एशली? हेलो, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। क्या, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई? मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। परेशानी क्या है? देखो ना, मैं तो बस पार्टी के लिए अच्छा दिखना चाहती थी, सिर्फ यही बात है। तो तुम बॉल पर जाओगी, मेरा मतलब पार्टी पर, ये अच्छा नहीं है, कुछ करो। माफ करना, ये नई छड़ी है, मुझे अभी इसकी आदत नहीं हुई है, ये दोबारा मत करना। अब क्या? कोई बात नहीं, बस एक मिनट रुको। शायद अगर हम रुको, ये बहुत अजीब सी छड़ी है, पर मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं इस टियारा को बदल दूंगी। पहले 3D पेन से इस टियारा पर ट्रेस करेंगे, सारे जेम्स पर लगाएंगे, कुछ इस तरह का फ्रेम बनाएंगे। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। अब कलर्स बदल देंगे और जेम स्टोन में फिल करेंगे अच्छे से कोनों तक। हर एक छोटे छोटे जेम का ख्याल रखना है। अब इसे आराम से निकाल सकते हैं। अपने नए टियारा से मिलो। मैं जानती हूँ मैंने कमाल कर दिखाया। ये लो। हे भगवान, मैं इमोशनल हो रही हूँ, खुशी के आंसू आ रहे हैं। रुको, ये क्या हो रहा है? तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। वो, विश्वास नहीं हो रहा। ये ग्लासेस इस ड्रेस के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। वाह, जरा मुझे देखो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो कहाँ चली गई? मैं उसे अब ये कह नहीं पाऊंगी, पर बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब पार्टी करें। ला ला ला। हाँ, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तुम अच्छी मर्मेड बनोगी डॉली। ये कैसी स्मेल है? मॉम ने कपकेक्स बनाए। ओह, ये अच्छे लग रहे हैं। हाथ हटाओ, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बस एक ही चाहिए मॉम, दूर हटो। आप बहुत बुरी हो, वो अपने आप को बहुत तेज समझती हैं। मैं तुम्हारी पूंछ बना दूं? तुम्हें कहा थी। ओह क्रीम, क्या हुआ मिसेस डॉग? दोबारा कहो। हाँ, ये बढ़िया है। अब मैं टमाटर से एक स्वादिष्ट चीज बनाऊंगी। रुको, ये मत करो एशली। हे, कैसे हो? ये मेरी डॉग है, इसे बीच पर सैर करना बहुत पसंद है। एशली, हाय मॉम, निकलो यहाँ से। माफ करना, मैं तो बस पार्वल होना चाहती थी। मैं यहाँ अपने कपकेक्स रख देती हूँ। यही हमारा मौका है, ये एक परफेक्ट क्राइम होगा। मॉम को पता भी नहीं चला। हे, देखो, मैं एक सोशल मीडिया स्टार हूँ। चलो पकाएं, मुझे बोल चाहिए। हाँ, वो कहाँ चला गया? वो यहीं कहीं था। मैं जानती थी। मजा आ गया। देखा, ऐसा होता है। हे, ये वापस दो। मेरे साथ चलो, मुझे बोल दो। आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हारी नाक पर फ्रॉस्टिंग लगी है। ओ, ये यहाँ कैसे आ गई? लगता है कोई गड़बड़ है। शो खत्म हुआ, सब खराब हो गया। शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। बस एक मिनट, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बस आपको एंटरटेन करना चाहती थी, मैं वो भी नहीं कर सकती। हे मॉम, ये देखो कैसा लग रहा है। ओह हाँ, यहीं पर करो। रुको, जरा मुझे दिखाओ। एशली, ये तुमने क्या किया? ये मेरी वेस्ट है, मैं बस मदद करना चाहती थी, मुझे कुछ सोचने दो। ओह, मैं समझ गई, मैं
इसका क्या करूं? रुको, मैं समझ गई। आपको बहुत मजा आएगा। एक प्लास्टिक का कॉइल लेंगे और इसे काट देंगे। अब इन्हें गोल गोल करके एक के ऊपर एक लगाएंगे। अब हमें 3D पेन चाहिए। इन पीसेस को साथ में जोड़ देंगे और लगाते जाएंगे। कुछ ऐसा हैंडल बनाना है। हमारी वेस्ट तैयार है। बढ़िया है ना? ये मेरी ऑनलाइन शॉप पर मिल जाएगी। आपकी शॉप भी है? जो भी हो, ये रहा बोल। ये मेरी असिस्टेंट है। ये सही काम कर रहा है। इसे ऑफ कैसे करते हैं? फिर क्या दिन था। अब मुझे आराम करना है। बहुत मेहनत का काम था। ओह हाँ, मजा आ रहा है। ये हुई ना बात।